हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द सन टैरोट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो लोग भी इस वक्त अपने पर्सन से सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और इसी के साथ साथ देखेंगे एंड में उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस कि अगर वो आपसे कुछ कहना चाहें इस सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट में, तो आपसे क्या कहेंगे, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर। सो चलिए देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो हर एक मैसेज को अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा, सिर्फ जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उन्हीं को रखिए। देख लेते हैं कि इस वक्त जो आपके पर्सन हैं वो कैसा फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द मैजिशियन का। देन हमारे पास जो कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। एक का हम और लेंगे, टेम्परेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक वहां पर जो कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स। सो राइट नाउ हो सकता है कि आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं, आप खुद ही इनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं इनके साथ। कुछ तो ऐसा है, मुझे नाराज़गी दिख रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ही अपने पार्टनर से जो है वो नाराज़ हैं। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ तो है इनके माइंड में जिसके बारे में आपके जो पर्सन है वो मुझे सोचते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो आपके साथ लॉयल है, इनकी जो फीलिंग्स है ना वो आपके लिए ट्रू है। भले ही आप लोग इस वक्त सेपरेटेड हैं बट आपकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं पर्सन। आप राइट नाउ इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना जैसा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और अभी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप तो ऐसे कभी भी नहीं थे, आपने तो कभी भी इनके साथ ऐसा रूड बिहेव किया ही नहीं था। आपका ऐसा बिहेवियर ना इन्हें बहुत हर्ट कर रहा है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप तो बहुत काइंड थे, आप बहुत लविंग थे, सडनली आप इतने चेंज कैसे हो गए, आप में इतना बदलाव कैसे आ गया। ये जो आपका चेंज है ना वो इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिस तरह भी आप पहले थे लविंग केयरिंग, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको याद कर रहे हैं कि आप पहले कैसे हुआ करते थे, आप इतने बदल क्यों गए हैं, आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसा सोच रहे हैं कि आप इतना चेंज क्यों हो गए हैं, आप तो ऐसे नहीं थे, इतना बदलाव आप में कैसे आ गया है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनको मैं बता दूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप इनके लाइफ में है ना तो आप अभी कंप्लीट हैं, इनको आप किसी और चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। आपके साथ ही जो पर्सन है ना वो अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स हैं इनकी, इस पर्सन की आपके साथ ही रहना चाहते हैं। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और काफ़ी कुछ चल रहा है इनके माइंड में इस वक्त। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आप पहले की तरह हो जाएं, क्योंकि आपका जो ये बिहेवियर है ना वो इनको काफ़ी हर्ट कर रहा है, काफ़ी परेशान है। चाहते हैं कि जो भी आप लोगों में सिचुएशन है इस वक्त, ये जो सेपरेशन है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और सिचुएशन ठीक हो जाए, सिचुएशन में जो है वो बैलेंस आ जाए। बैलेंस करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें काफ़ी जो है हर्ट किया है, शायद अपने इस बिहेवियर से, अपने इस रूडनेस से, कि पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी इन्हें मिस कर रहे हैं। भले आप बाहर से रूडनेस दिखा रहे हैं बट इन एक्चुअल आप काफ़ी इन्हें मिस कर रहे हैं, आप भी इनके बारे में ही सोच रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। जैसा आप फील करते हैं ना वैसे ही आपके पार्टनर जो है ना वो आपके लिए फील कर रहे हैं। काफ़ी हैरान है ये पर्सन आपके इस बिहेवियर से। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमें जो कार्ड था वो था टू ऑफ कप्स, एंड उसके नीचे हमें जो कार्ड है वो है द हर्मिट। जो आपका ये बिहेवियर है ना, इस बिहेवियर ने ना इनको खामोश कर दिया है। राइट नाउ आपके पर्सन जो है वो मुझे एक्शन लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं बट हाँ, इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है ना वो काफ़ी ट्रू है। अभी ये पर्सन सिर्फ शांत है, काफ़ी कुछ चल रहा है इनके अंदर, बहुत कुछ ये सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्यों ये सिचुएशन है, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कैसे सिचुएशन में बैलेंस आएगा, ये सब सोचते दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में आपके पर्सन जो है वो आपको ज़रूर मनाएंगे और
जो आपकी रूडनेस है ना, वो बहुत जल्दी मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जब भी आपको मनाने के लिए आएंगे ना, तो आप भी खुद को नहीं रोक पाएंगे। हो सकता है पहले आप थोड़ा सा रूड हो इनके साथ, बट इन एक्चुअल आप भी जानते हैं कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं। आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपके पास आने के लिए ये थोड़ा सा समय मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी काफ़ी कुछ इनके माइंड में चल रहा है। तो अभी ये जो है ना, सिर्फ शांत रहना चाहते हैं, अपने मन को शांत रखना चाहते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अंदर कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं सोच रहे। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, इनके माइंड में इस वक्त जो है वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और आपका जो ये बिहेवियर है ना, वो इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, आप तो बहुत काइंड थे, आप तो बहुत लविंग थे, आप तो बहुत केयरिंग थे, ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतने कैसे बदल सकते हैं? क्या चीज़ है जिसने आपको इतना ज़्यादा बदल दिया? ऐसा सोचते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। भले आप इनके साथ नहीं हैं, बट ये हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि आप हमेशा इनके साथ हैं, इनके साथ कनेक्टेड हैं, इनके पास हैं। हमेशा ये पर्सन जो है ना, आपको आपको फील करते हैं। देख लेते हैं, अगर ये आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो क्या कहेंगे, क्या मैसेजेस देंगे। सो फर्स्ट मैसेज मेरे पास है, यू आर माई वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, आप इनके साथ होते हो तो सब कुछ कंप्लीट है इनकी लाइफ में, सब कुछ कंप्लीट है। फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अब शायद क्या ही चाहिए होगा इससे बढ़कर लाइफ में। और जो नेक्स्ट मेरे पास कार्ड है वो है, आई लव यू अनकंडीशनली। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आपका ये जो बिहेवियर है ना, वो उनको काफ़ी परेशान कर रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी इन्हें वैसे ही मिस करते हैं जैसे कि ये कर रहे हैं इस वक्त। देन नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है, यू आर माई हैप्पी प्लेस। आप इनके हैप्पी प्लेस हैं। देन नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है, आई मिस यू सो बैडली। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपका जो बिहेवियर है ना, वो इन्हें काफ़ी परेशान कर रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव, आई एम स्टक राइट नाउ। इस वक्त थोड़ा सा स्टक है आपके पर्सन। काफ़ी कुछ चल रहा है इनके अंदर, खुद से ही खुद इनकी लड़ाई चल रही है। इतने थॉट्स हैं ना इनके जहन में कि बस ये शांत हो गए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन आपकी तरफ लेंगे, बट इसमें थोड़ा समय लगेगा इनको, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन जो है, उनकी खुद से ही लड़ाई चल रही है। इतने सारे थॉट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिस वजह से ये आपसे ऐसा कह रहे हैं कि ये इस वक्त स्टक हैं। और जो नेक्स्ट मेरे पास कार्ड है वो है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। ये आपसे कह रहे हैं कि इन्हें बहुत रिग्रेट है कि इन्होंने आपसे झूठ कहा। आई एम नॉट वेल। हो सकता है आपके पर्सन जो है इस वक्त ठीक नहीं है। आपसे कह रहे हैं कि आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फाइनेंशली स्टेबल, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ये कह रहे हैं कि इनकी गलती थी, बट इन्होंने स्टिल आपको ब्लेम किया। हो सकता है इसी के साथ साथ आपके जो पर्सन के फाइनेंस है इस वक्त ठीक नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है जैसी जॉब ये चाह रहे हैं, सॉरी, जैसी जॉब ये चाह रहे हैं वैसी इनको नहीं मिल पा रही है। और जो नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है वो है, आई विल टेक एक्शन इन 24 आवर्स। सो ऐसा आपसे कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे ही लेंगे आने वाले 24 घंटों में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समय आपके पर्सन जो है वो लेंगे आपकी तरफ एक्शन लेने में। बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट कर ले। और जो नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है वो है, थर्ड पार्टी इज़ अफेक्टिंग आर रिलेशन। मे बी आप लोगों में कोई थर्ड पार्टी है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज। कुछ लोगों में हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन को अफेक्ट कर रही है। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है। आई एम अफेयर्ड ऑफ कमिटमेंट। आपके पर्सन क्या आपसे कह रहे हैं कि वो कमिटमेंट से डरते हैं। आई एम सैड। एंड लास्ट नंबर जो कार्ड है वो है, आई वॉज नॉट रॉन्ग। एंड लास्ट का नंबर है, आई वॉन्ट मेक थिंग्स राइट। आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, आपसे कांटेक्ट करेंगे आने वाले समय में, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके आपकी तरफ जल्दी एक्शन ले लें। बट मुझे जैसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त जो है ना, थोड़ा सा अकेला ही रहना चाहते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।